यहाँ से इतना खतरनाक ऑर्डर आ रहा है, इतना खतरनाक कि भाई आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ऑर्डर देखो भाई, ये ऑर्डर है 500 रुपए का, ये देखो भाई। और भाई GT मस्टैंग जा रही है मेरे आगे, अरे भाई वाह खतरनाक के 298 रुपए का ऑर्डर आ गया ओखला का, वाह गजब भाई। पार्सल तो मुझे मिल गया है, अब ये था देखो। वैसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भाई मौसम देखो एकदम मस्त हो रहा है और बारिश वारिश का थोड़ा बहुत ही लग रहा है, ज़्यादा नहीं है फिलहाल। आज मैं निकल चुका हूँ भाई पोर्टर ही लेकर निकलता हूँ। बहुत सारे बंदों के कमेंट्स रहते हैं कि भाई डाउट्स रहते हैं कि आप बाइक टैक्सी क्यों नहीं करते। भाई देखो, बाइक टैक्सी में जब 10 रुपये किलोमीटर मिलता था, मैं खूब बाइक टैक्सी करता था, दबा के ओला दे रहा था, ऊबर भी दे रहा था, मैं सब में चला रहा था भाई। और बीच में रैपिडो ने भी मेरा करा था 9 रुपये किलोमीटर फिक्स 0 कमीशन पे, तो मैंने रैपिडो भी किया। अब इन सब उन्होंने वापस से रेट वही ख़राब कर दिए, 6.5-7 रुपये किलोमीटर कर दिया है, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता भाई। 60-70 किलो का पैसेंजर लेके जाओ, वो भी 7-8 रुपये किलोमीटर, वो मेरे को नहीं पसंद। इसलिए मैं खाली पोर्टर करता हूँ। इसलिए कभी हाँ इन फ्यूचर या कुछ दिन में कोई अपडेट आए या 0 कमीशन या रेट बढ़ाए तो मैं बिल्कुल बाइक टैक्सी करूँगा। बाकी अगर टाइम की बात करूँ तो भाई टाइम हो रहा है 9:48 और पोर्टर की मैं सबसे बड़ी पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने ऐप के अंदर। भाई देखो मैं यहाँ पर 20 मिनट से लॉग इन और यहाँ पर 0 मिनट दिखा रहा है, मतलब कि ऐप के अंदर कुछ तो इशू चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है काम ना हो, ऑर्डर ना आए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 मिनट दिखा रहा है, कोई नहीं है, कोई टाइम नहीं है, बल्कि कल का टाइम दिखा रहा है 7 मिनट, आज का कोई टाइम नहीं दिखा रहा है। बाकी मीटर की रीडिंग भी देख लो, 22,770 किलोमीटर चली हुई है। तो वेट करते हैं भाई ऑर्डर आने का कितनी देर में आता है। A few moments later. तो भाई पहला ऑर्डर अपने पास में आ चुका है, ऑर्डर आया है 299 रुपये का, खानपुर से पश्चिम विहार लेकर जाना है। भाई बहुत बढ़िया, शुरुआत हमारी अच्छी हो गई है, पिकअप पास से ही है, तो बिना किसी देरी के फटाफट पिकअप करने चलते हैं। हाँ भाई ठीक है, डिसमिस। अभी ये ट्रेन का रूट ले रहा है या अभी तो ये फिलहाल पता नहीं बाइक का ही ले लिया है, क्योंकि मैंने इसकी कोई सेटिंग करी थी, किसी भाई ने मुझे बताई थी इंस्टा पे, तो उस सेटिंग को किया मैंने, तो फिलहाल तो इसने बाइक का रूट ले लिया। तो चलते भाई फटाफट ऑर्डर को करते हैं पिकअप बिना किसी देरी के, 2 मिनट में पिकअप। भाई पहुंच गए पिकअप लोकेशन पर। अरे वो तो बड़े तो सभी लेके जाते हैं ना तुम्हारे पास से, तो चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत पेमेंट उन्हीं से लेनी है, ठीक है। अरे मैं टी शर्ट देख सकता हूँ, मैं भी लेने की सोच रहा हूँ। चलो भाई पार्सल हो चुका है पिकअप, भाई हम यहाँ से लेके जाते रहते हैं तो थोड़ा बहुत चलो कर देते हैं, वैसे मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ही है, कोई बात नहीं, चलते हैं भाई पिकअप कर लिया है पार्सल। ओह हो, ऐसा लग रहा है जो ना कितना बड़ा पार्सल है, पता भाई यार वीडियो में दिखता है बहुत बड़ा पर एक्चुअल में होता नहीं है कई बार, और बूनी बट्टा ख़राब नहीं करना चाहती इसलिए। वैसे क्या डिस्टेंस 26 किलोमीटर दिखा रहा है, 52 मिनट लगेंगे, तो भाई आज ट्रैफिक भी थोड़ा सा नहीं है ऐसा लग रहा है। तो कहाँ तक मैं बिना मैप के जा सकता हूँ, रजौरी गार्डन, ये रहा कहाँ है रजौरी गार्डन, अच्छा ये तो वो वाला है मानसरोवर, ये रजौरी गार्डन का फ्लाईओवर वाला रोड है, और यहाँ से जो एक कट नीचे जाता है फिर यहाँ मंदिर के पास से होता हुआ, ठीक है यहाँ तक चलते हैं बिना उसके। भाई राइड और पार्सल में पता है क्या फ़र्क है, राइड अगर तुम लेके जाओगे, मान के चलो तुमने राइड ले ली, तो उसमें क्या होता है एक लिमिट होती है 40-45 की स्पीड पे चलाने की, और जबकि पार्सल में कोई लिमिट नहीं होती है। पार्सल में तो भाई जैसे जाना आपको जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पार्सल में टाइम भी बच जाता है, पेट्रोल भी बच जाता है, और गाड़ी भी कम घिसती है, जबकि टैक्सी में अगर चलाओगे तो भाई वजन रहेगा, टायर भी घिसेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मुझे को पार्सल ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई पार्सल में अपना कोई सीन नहीं है, अच्छा रोड है, मौसम अच्छा है, तो अपना चलाओ जैसे आपका मन कर रहा है। जैसे हमारी बाइक अभी चल रही है 80, रोड खाली है तो खींचो, नहीं तो भाई हल्के भी जाओ अपना, जहाँ पर दिखे जैसा हिसाब दिख रहा है वैसे चलते रहो अपना। बाकी मैं तो कर दूंगा भाई इसको कंप्लीट ऑर्डर को, मौसम मस्त हो रहा है, जो बात है ना आज मौसम कमाल का है आज एकदम, कभी धूप आ जाती है कभी छाया, एकदम गजब का मौसम है यार। पीछे आगे आ जाएगा, ऐसे ही खड़े करके रखोगे ना तो आ जाएगा। अब ठंड आ रही है ना तो विंटर की हुडी वुडी आएंगी,
क्वालिटी अच्छी है इनके कपड़े की, पूरे दिल्ली NCR में डिलीवर होता है इनका बहुत माल। ठीक है ओके डन भैया, कंप्लीट हो चुका है भाई ये ऑर्डर, ये कंप्लीट भाई। कमीशन कटने के बाद इस पे 239 रुपये मुझे मिले, और ऑर्डर का पता नहीं बजेगा या नहीं। अभी मेरे पास में 150 रुपये का ऑर्डर आ रहा था, मैंने क्लिक किया तो भाई वो हो गया नेटवर्क एरर। देखो गुस्सा तो बहुत आया, पर भाई मैं सबर कर लेता हूँ कि भाई सबर का फल होता है मीठा, इतना भी मीठा नहीं। देखो ये हो गया नेटवर्क एरर दिखाया था यहाँ पे, पर खुशी की बात ये है कि 298 रुपये का ऑर्डर आ गया ओखला का, वो आगा जब। पिकअप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पिकअप पास से ही है, ये हमारा पिकअप है भाई, 1.7 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, इतना क्यों दिखा रहा है? चलो भाई एक बार मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, 1.6 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं पिकअप करने, बढ़िया भाई, 1.6 छः मिनट में पिकअप हो जाएगा, गजब है भाई, ये सही है भाई, ऐसे ऐसे ऑर्डर मिलते रहे बस मुझे, और मज़े ही मज़े। चलो चलते हैं भाई इसको फटाफट पिकअप करने। भाई पिकअप लोकेशन पर तो आ चुका हूँ मैं अपनी, तो कस्टमर को करते हैं फ़ोन, शायद बुकिंग और वो कस्टमर नहीं रहा है तो एक ही। चलो फ़ोन करता हूँ भाई और पार्सल को करते हैं पिकअप। भाई पार्सल तो मुझे मिल गया है, अब ये था देखो, वैसे देखने में तो भारी लग रहा है, इसके अंदर लोहे का कुछ है, मतलब कि कोई ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सामान हो ना लोहे का, और पैक ऐसे कर रखा है जैसे भाई इसमें कुछ वो इलीगल सामान हो। बोला मैंने छू के देखा, तो ऐसे छू के देख रहा हूँ मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे लोहे की कोई चीज़ है इसके अंदर। ये डाल ली भाई बैग के अंदर और लेकर चल रहे भाई, ट्रिप को करते हैं स्टार्ट। ये हो गई ट्रिप स्टार्ट, अब डिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका डिस्टेंस कितना दिखा रहा है भाई, 27 किलोमीटर इसका डिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है, पहले सही था। चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, छोटा रूट कुछ दिखता है क्या, ये रहा 25 किलोमीटर है, तो 25 से जाना ठीक है, पर यहाँ पर सिग्नल बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, और यहाँ से 27 एक किलोमीटर फालतू लग रहा है। क्या बोला तूने? कोई नहीं भाई, मैं 1 किलोमीटर फालतू से जा रहा हूँ, नो सिग्नल, कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा मुझे, सारा रिंग रोड से निकलूंगा, बल्कि अगर करोल बाग की साइड से निकलूंगा तो भाई इतने सिग्नल पड़ेंगे रास्ते में, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हमें टाइम बचाना है, एक आध किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलते भाई करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर, भाई इस तरीके से काम मिले जाए तो बढ़िया है। भाई ये हमारे सब्सक्राइबर अभी मिले रिंग रोड पर, कैमरा ऑफ था तब तो पता ही नहीं चला, अचानक से आ गए, पर फिर कभी सोचे कि भाई कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो तो मैं कर लेता हूँ भाई इनको। ये पोर्टर मतलब राइड पे चला रहा है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये देखो हाँ राइड पे चला रहा है। चलते चलते मिल जाता, ऐसे मिल पाते हैं भाई, देखो पर्सनली तो बहुत मुश्किल ही टाइम होता है भाई, 12 घंटे की ड्यूटी करो, एडिटिंग वगैरह एडिटिंग करो, उसमें फंस जाते हैं, पर हाँ ऐसे चलते चलते बिल्कुल मिल सकते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार, ऐसे तो आसान रहता है। ये टैक्सी चला रहे हो? टैक्सी चला रहे हो सब? बस काम होना चाहिए बढ़िया, हम तो खैर भाई पोटर पोटर चला। चलो ठीक है अब हो गया भाई रिकॉर्ड, बात भी कर ली इनसे। भाई ये पहुंच गया हूँ लोकेशन पर तो नहीं, पर उसमें 18 नंबर गली लिखी थी, तो ये पूरी रोड 18 नंबर गली है, ये पूरी जाकिरनगर ढलान से उतर के। तो फ़ोन कर लेता हूँ एक बार कस्टमर से, पूछ लेता हूँ कि भाई कितनी अंदर आना है, कभी मैं आगे चला जाऊँ ज़्यादा या पीछे स्टार्टिंग में देना हो ऑर्डर, या फिर मैं स्टार्टिंग में रुक जाऊंगा तो आगे बढ़िया रहेगा, पूछ लेता हूँ भाई पहले। भाई डिलीवर हो चुका है ये ऑर्डर, 1 स्टार रेटिंग दूंगा पहली बात तो, पैसे के लिए उन्होंने काफ़ी 10 मिनट परेशान करा कि रिसीवर से ले लो और सेंडर से ले लो। बाकी अभी बताता हूँ, कमीशन कटने के बाद इस ऑर्डर पे हमें 238 रुपये मिले भाई, ये देखो 238 रुपये मिले इस ऑर्डर पे, जिस पर हम डिस्टेंस कितने किलोमीटर आए थे भाई, भूल गया मैं तो यार, मेरी याद नहीं है, पर जो भी आए थे ठीक है। अर्निंग हो गई भाई हमारी अभी तक, अर्निंग की छोड़ो ऑर्डर आने वाला है, अरे मेरी जान, आज तो मज़े ही मज़े आ रहा है। ये भाई ऑर्डर आ गया, ओहो थोड़ा बाहर से आया, ऑर्डर आ गया भाई 260 रुपये का, एरो सिटी लेके जाना, एरो सिटी मेट्रो स्टेशन। चलो कोई बात नहीं, वहाँ से महिपालपुर से बजेगा, कहीं से नहीं बजेगा, तो चलते भाई फटाफट पिकअप करने। आज होगी बल्ले बल्ले भाई, ऑर्डर जल्दी जल्दी निकल ले, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पिकअप थोड़ा लंबा और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा, इस ट्रैफिक में भाई इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे पूरे फेस पर पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और भाई ये गाड़ियाँ देखो बिल्कुल पैक होके चल रही है, लोकेशन से बस थोड़ी सी दूर हूँ मैं, और ये देखो भाई
किस कदर ट्रैफिक है भाई यार, मतलब कहाँ से इतना ट्रैफिक आ जाता है यार कि ये स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, एक बज रहा है तो उनकी गाड़ियाँ जा रही हैं स्कूल वैन वगैरह, पर फिर भी यार इतना ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, देख रहा हूँ गर्मी में तो खास कर नहीं लगना चाहिए। चलो पिकअप करते हैं भाई, लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, फ़ोन करता हूँ कस्टमर को। भाई फंस गया बड़ा बुरा, क्या है ये एरो सिटी मेट्रो स्टेशन डाला हुआ, जिस बंदे के हैंड ओवर करोगे ना, हाँ मुझे ये साइन करवा लेना, ठीक है, और फोन नंबर उनका आपको भेज दूँ, पेमेंट वही कराएंगे इसकी, पेमेंट करेंगे। ये लो भाई ये ऑर्डर मिला है बिल के साथ में पूरा, ये देखो ये रख लिया पीछे, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जिसका बिल हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिस्टेंस मैं आपको दिखाऊं, कितना डिस्टेंस दिखा रहा है भाई, डिस्टेंस दिखा रहा 22 किलोमीटर और लगेगा टाइम हमें 43 मिनट। ये देख लो पूरा रूट आपके सामने, ठीक है भाई ये देख लो, चलो चलते भाई इसको करते हैं डिलीवर। भाई GT मस्टैंग जा रही है मेरे आगे, अरे भाई वाह खतरनाक, इधर से देखो इसका लुक कच्चा भाई, मेरे अचानक से नज़र गई इस पे, पड़ा मैंने मस्टैंग, वाह भाई भाई थोड़ी सी घुर घुर करके निकाल भाई। अरे कहना क्या चाहते हो, करियो, अरे यार दिल की इच्छा रह जाएगी अगर नहीं करा तो, कर दे एक बार तेज से, मॉडिफाई नहीं करा रखी, बेकार बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई। ये पहुंच गया हूँ एरो सिटी मेट्रो, और भाई लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ, बाकी पता करते हैं भाई कहाँ पर आना है, कौन से गेट पर, क्योंकि मेट्रो इधर भी है और आगे भी है, तो देखते हैं भाई कहाँ पर देना है ये। वैसे तो यूटर्न ही है, बाकी कोई तो आगे तो रास्ते बंद है, तो देखो और ये मैप क्या दिखा रहा है, सीधा आगे से जाकर राइट ले ले भाई, मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, मैं कहां से ले ले राइट भाई, हद हो गई यार, कैसे कैसे रास्ते दिखाते हैं यार ये। चलो भाई फोन करते हैं कस्टमर को, डिलीवर करते हैं इस ऑर्डर को। भाई ये पहुंच तो गया, यहां पर बुलाया कस्टमर ने, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा कहीं पर, यहां बुलाया, पार्सल इधर रखा हुआ है गेट नंबर 2, यहां पर इंतजार कर रहा हूं भाई आने का, पता नहीं कब तक आएंगे। ट्रिप को एंड तभी करना जब कस्टमर सामने आ जाए, इससे पहले कभी भी ट्रिप मत करना, पहले से तुम लोकेशन पे पहुंचो या मत पहुंचो। अब कर दो ट्रिप एंड, कहाँ गई ये, हो गई भाई ट्रिप एंड, 260 रुपये, तो पेमेंट लेनी उनसे जिनसे हम लेकर आए पार्सल, तो उन्हें कर दे फ़ोन और कहते हैं कर दो भैया पेमेंट, पार्सल हमने इधर दे दिया। तो भाई पार्सल हो चुका है अपना डिलीवर, ये 5 स्टार के साथ में करता हूँ डन, और भाई इस ऑर्डर पर हमें कमीशन कटने के बाद 208 रुपये मिले, 260 का ही ऑर्डर था, 22 किलोमीटर में आया था, 22 किलोमीटर के 208 रुपये मिले, और अर्निंग की बात करें तो टोटल अर्निंग हो गई है 685 और टाइम हो गया हमें लगभग 4.5 घंटे। तो भाई अब यही एरो सिटी से वेट करते हैं, महिपालपुर वगैरह का बजाएगा यहीं से, तो अभी मैं निकल नहीं रहा हूँ, जब तक ऑर्डर नहीं बजेगा मैं यहीं इंतज़ार कर लेता हूँ छाया में बैठ कर कहीं पर, तो आने दो ऑर्डर फिर बताते हैं कहाँ का आ रहा है। तो भाई यहाँ से इतना खतरनाक ऑर्डर आ गया, इतना खतरनाक कि भाई आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, किसी को सदमा नहीं आना चाहिए, तो भाई अपनी कुर्सियों पर बैठ जाओ और ऑर्डर देखो भाई, ये ऑर्डर है 500 रुपये का, ये देखो भाई, और महिपालपुर से लेना है भाई और लेके जाना है गाजियाबाद कवि नगर। तो फिलहाल पिकअप दिखा देता हूँ मैं, कितना लंबा, बहुत लंबा होगा। क्या कर रहे हैं यार तू, पिकअप मतलब कि छोटा भी हो सकता है, 2. अबे मेरी जान 2.6 किलोमीटर का पिकअप है यार, गजब का पिकअप है, मैं तो सोच रहा था बहुत लंबा पिकअप है। चलो भाई चलते हैं फटाफट इस ऑर्डर को पिकअप करने, पेमेंट इसकी वही कराएंगे आप कराओगे, क्योंकि आपकी वॉलेट से भी है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, रिसीविंग भेजनी किसी पे। भाई पार्सल हो चुका है पिकअप, आजकल तो हर कोई अपने आपको पहचान लेता है कि भाई आपकी वीडियो देखी हमने, ये हुआ मजाक तो नहीं करते मेरे साथ में, कभी फिर की लेते हो, पर ऐसा नहीं है, मेरी वीडियो वायरल जाती है काफ़ी, तो इसलिए लोग काफ़ी पहचान लेते हैं। बाकी भाई 47 किलोमीटर है, ये घंटा 9 मिनट के अंदर इसको मैं लपेट दूंगा भाई, ये देखो। वैसे एक और रूट भी दिखा रहा है 45 पर, नहीं भाई इस पर देखो कितनी मिनट ज़्यादा लग रही, 20 मिनट ज़्यादा, तो नहीं टाइम बचाना अपने आपको, नहीं इस पर भी कम लग रही, मतलब हेयर फेयर 2 किलोमीटर के चक्कर में मैं अपना टाइम वो नहीं करा, इससे चलते हैं करते हैं फटाफट इसको डिलीवर। भाई भाई पहुंच तो गया हूँ कवि नगर के अंदर, ओए होए कितनी धूल आ रही है भाई, बैठे बैठे बाइक पे थक गया हूँ यार, इतना लंबा सफ़र 47 किलोमीटर का, पैर भी अकड़ने लगे यार बैठे बैठे, ये देखो भाई
लोकेशन पे आ गया हूँ। इसका लंबा प्रोसेस रहेगा थोड़ा सा, ये रिसीविंग विसीविंग लेने देने का, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 10-5 मिनट भागेंगे मेरी। ये भाई लोकेशन हो गई ख़त्म, शायद यहीं पे देना होगा। चलो फ़ोन करते हैं, पता करते हैं और डिलीवर करते हैं भाई इस ऑर्डर को। पार्सल है अंदर का व्हाट्सअप नंबर, बिल पे लिखा है सब कुछ। तो भाई कंप्लीट हो चुका है ये ऑर्डर, पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है, मैंने QR भेज दिया है और 5 स्टार के साथ में डन। अब दिखाता हूँ 47 किलोमीटर के मुझे कितने पैसे मिले भाई। 47 किलोमीटर के मुझे 400 रुपये मिले कमीशन कटने के बाद, और 5-6 घंटे के अंदर मेरी अर्निंग हो गई 1085 रुपये की। ओबे भाई यार गजब की अर्निंग हो गई 1085 रुपये। और अभी 3:50 हो रहे भाई, ये देखो 4 ट्रिप के अंदर 1085 भाई, आज तो मज़ा ही आ गया यार, दिल खुश। अब यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए ढूंढते हैं, भूख लग रही है क्योंकि यार बहुत देर से काम कर रहे हैं, तो कुछ खाते हैं, इतना देखते हैं कोई ऑर्डर भी आ जाएगा। तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। कोटगांव विलेज, अरे ये तो कोई और एक्सेप्ट करके ले गया, छोटा सा इतना यार, इसलिए मैंने आने वाला एक और ऑर्डर आ रहा है क्या, ये ठीक है। नेहरू नगर छोड़ ले ले यार, देखी जाएगी। अबे यार ये भी कोई ले गया, वो भी इतनी जल्दी जल्दी ऑर्डर बज रहे यार, हो क्या रहा है, वो मेरी आईडी पे क्या हो रहा है भाई इतनी जल्दी। देखो आपके सामने दो ऑर्डर आ गए यार, दोनों में से कोई हाथ नहीं आया मेरे। आसपास का एरिया देख लो यार, मेरे आसपास में क्या है, कभी मैं दूर से ही पिकअप ले लूँ, जा रहा हूँ 10-15 किलोमीटर पिकअप करने। तो भाई कवि नगर तो अपना जिंदाबाद है, ठीक है, और कवि नगर के साथ साथ में अपने पास में राजनगर है, संजय नगर है, राजनगर, संजय नगर और शास्त्री नगर, नेहरू नगर, ये सब ये सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन जगह से बजेगा तो एक्सेप्ट कर लेना ऑर्डर। फिलहाल यार ये तो अभी यहीं फैक्ट्री के बाहर था, तो ये 2 बज गए, मैंने दिखा दिया आपको। बाकी ये यार कुछ ठंडा पानी पीते हैं यहीं पे, कोल्ड ड्रिंक। चलो भाई यहाँ से तो ऑर्डर पकड़ लिया भाई, हमने ऑर्डर ले लिया है 202 रुपये का। पिकअप दिखाऊँ तो पिकअप ज़्यादा दूर से नहीं है, बहुत ही पास से पिकअप है, 2.4 किलोमीटर का पिकअप है, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई गजब, इतना तो चलता है, चलते भाई पिकअप करने, मज़ा आ गया भाई। 2-3 ऑर्डर मिस हुए तो क्या हो गया, ये आ गया 200 रुपये का, और टाइम भी नहीं लगेगा इस ऑर्डर में, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ भाई ये गाजियाबाद की साइड सड़कें खाली होती हैं, पर हो सकता है भाई टाइम भी लग जाए कुछ पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगी इस ऑर्डर में। तो देखते हैं भाई क्या मेरी ये 30 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये मैं सच बोल रहा हूँ या मतलब कि मेरा अंदाज़ा सही है या गलत, वो तो जाके पता चलेगा। तो चलते फटाफट पिकअप करने और करते हैं इस पार्सल को पिकअप। आज तो नोटी छापूंगा, ऐसे करके गड्डियां लगा दूंगा नोटों की, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ये पहुंच गया हूँ भाई लोकेशन पर। अरे रुक जा भैया, बहुत तेजी मारा है गाड़ी से पीछे वाले, भाई पीछे वालों को देखना बहुत जरूरी होता है, आगे के साथ साथ में पीछे देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई पेल पाल देगा। भाई ये पहुंच गया, ये कहां से पिकअप है लिखा है कुछ एड्रेस वगैरह, एड्रेस तो हाँ ये तो रहा एड्रेस। चलो फ़ोन करते हैं भाई, पार्सल को लेते हैं। भाई पहुंच गए हैं मेडिकल मार्ट, अबे ये बेसमेंट में था, मैं ऊपर देख रहा था जब से कि कहाँ है। पेमेंट वही करेंगे, ठीक है, कुछ बिल तो नहीं ले जाना इसके साथ। भाई ये देखो पार्सल तो हो चुका है पिकअप। अबे आपको लग रहा होगा ये बड़ा है, अभी नाप के दिखाऊंगा बाहर तुम्हें, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो हम करते हैं एडजस्ट, और अभी मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। ये मतलब कि जितना टेप लगा हुआ ना इतना ही फालतू है ये, बाकी मेरी बाइक कहाँ गई, अरे भैया मेरी बाइक, कैसा लगा मेरा मजाक भाई खुश हूँ, तुम समझ ही सकते हो यार, खुशी की अलग ही बात है। मतलब ये देखो अब मैं आपको नाप के दिखाता हूँ भाई, ये हमारा 40 सेंटीमीटर नप गया, ठीक है, और ये हमारा 40 सेंटीमीटर, तो ओवरसाइज नहीं है। वीडियो में कई बार बड़ा दिखता है पार्सल, पर होता नहीं है इतना, क्योंकि तुम्हें पता है अगर होता है तो मैं ले जाता ही नहीं हूँ। तो भाई अबे ये तो बिल इसमें रहना धुए से, अरे खो जाओ हमें क्या लेना, ये लो बिल कर दिया पैक। तो भाई डिस्टेंस में दिखा देता हूँ इसका, कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, लॉक लग गया। भाई देखो मैं अभी हाँ ट्रिप तो स्टार्ट करी मैंने, आपके सामने करा सब कुछ, तो मैं बताऊँ अब ये 30 मिनट बोल रहा था ना, वो हो सकता है गलत है, 37 मिनट लगेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रोड थोड़ी ख़राब है, 33 मिनट लगेगी। और भाई सही थी, मतलब बीच की है, 16 किलोमीटर है, 33 मिनट लगेंगे भाई। चलो चलते हैं भाई,
करते हैं फटाफट इस ऑर्डर को कंप्लीट। भाई दिखा रहा था मैप पे 33 मिनट लगेंगे, पर मैंने ऐसे बाइक चलाई मैं 30 मिनट के अंदर ही आ गया, कि मैंने 30 बोला था 30 में ही पहुंचूंगा। तो भाई ये पहुंच गया हूँ ड्रॉप लोकेशन पर, और इधर बारिश भी पड़ गई भाई मेरे आने से पहले पहले। ये भाई ख़त्म हो गई लोकेशन, अब घर कौन सा ये नहीं पता। तो घर में इतनी सारी दवाइयाँ क्यों आई हैं? अच्छा होगी इनकी शॉप को, हमें क्या लेना, फ़ोन करो यार पहले। भाई पहुंच गया हूँ, लोकेशन थोड़ी सी इधर उधर थी। हाँ तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ, कौन? स्प्लेंडर से पहचान गया ना, रील में आते रहती है। अच्छा 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 रील देखते हो, बढ़िया। ये लो भाई जहाँ तहाँ फॉलोअर्स मिल रहे, भाई फेमस हो गया तुम्हारा भाई। अबे भाई यह तो जगह ही नहीं। भाई डिलीवर कर दो, डिलीवर तो कर दिया, बोलो पेमेंट तो वहीं से मिलेगी। तो फ़ोन करते हैं पहले फिर पता करते हैं। भाई ये ऑर्डर, हाँ ये ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट, 5 के साथ में 3 दे दो यार। यहाँ पर जो थे वो मतलब सही नहीं थे, पैसे वैसे के लिए ऐसे कर रहे थे। बाकी भाई अर्निंग देखोगे तो 1247, इस ऑर्डर पर हमें कितने पैसे मिले मैं आपको दिखाता हूँ। 16 किलोमीटर के 161 रुपये हमें मिले कमीशन कटने के बाद, बहुत बढ़िया। बाकी अर्निंग हो गई है 1247 रुपये, और टाइम हो चुका है हमें लगभग 7.5 घंटे, 5 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, क्योंकि भाई काफ़ी सारे ऑर्डर मैंने दिखा दिए। अब आपसे मिलता हूँ लगभग 7 बजे। A few moments later. तो भाइयों आपसे बोला था 7 बजे के बाद मिलूंगा, अभी मैं गुड़गांव के अंदर हूँ। मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर डिलीवर किया है, जहाँ पर वीडियो स्टॉप करी थी उसके बाद मैं एक ही ऑर्डर कंप्लीट करा है। टोटल अर्निंग की बात करूँ तो भाई 1623 रुपये की अर्निंग मेरी अभी तक हो चुकी है, जिसमें मैं 6 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ। लास्ट ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है कमीशन कटने के बाद 376, जो कि ऑर्डर था मेरे पास में ये 470 रुपये का, मल्टीपल स्टॉप लोकेशन गलत थी इसकी वजह से। तो भाई गुड़गांव के अंदर हूँ, काम बहुत अच्छा हो गया, 1623 रुपये का पैसे मेरे वॉलेट में हैं अभी। बाकी भाई मैं सोच रहा हूँ, यहाँ से पोर्टर बहुत दिन से नोटिफिकेशन दे रहा है कि बार बार कि भाई कहाँ गई, नोटिफिकेशन गायब हो गई। भाई एक इंसेंटिव की नोटिफिकेशन बार बार हमारे पास में आ रही है, अब तो दिखाई नहीं रहा। इसमें स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ कि डिनर में 6 ऑर्डर कंप्लीट करो, ये वाली कि डिनर में 5 ऑर्डर कंप्लीट करो और 300 रुपये का इंसेंटिव ले लो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर आज ऑर्डर लग जाएंगे तो गुड़गांव में 5 ऑर्डर छोटे छोटे करके ये 300 का इंसेंटिव भी ले लेता हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है, भाई लगे रहो, बहुत मजा आने वाला आज की वीडियो में। भाई आज तो कमाल ही अर्निंग होगी, पैसा ही पैसा होगा। देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, आज मतलब मैं जिस दिन काम करता हूँ उस दिन DMs के रिप्लाई नहीं दे पाता, अभी भी यहाँ देखोगे कितने सारे मैसेज पड़े हुए हैं। और ये देखो पूरी ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मैसेज करते हैं मेरे को, पोर्टर का ऑफिस बता दो कहाँ पर है। भाई गूगल मैप पे चेक कर लिया करो, देखो 18 ही रहा 17 ही रहा, भाई कुल मिला के 50 से भी ज़्यादा मैसेज मेरे पास में पड़े हुए हैं, 50 से ज़्यादा बंदों के, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए मैसेज करते हैं। भाई अगर 50 बंदों के 5-5 मिनट भी बात करूँगा ना तो 250 मिनट होती हैं, और 250 मिनट देखो 60 कितने घंटे, 4 घंटे, और उसमें भी कुछ बंदे फिर मैसेज करते रहेंगे। भाई यार छोटा सा एक बढ़िया सा मैसेज लिख गया करो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, बस इस तरीके से पूरा मैसेज लिख दिया करो। ये नहीं कि बस छोटा छोटा लिख दो यार, बहुत मतलब टाइम वेस्ट होता है इस चीज़ों में। ये देख लो बस छोटा छोटा सा मिलेगा और कुछ नहीं। देखो मैं एक आध कमेंट खोल के दिखाता हूँ, ये देखो हेलो, भाई क्या हेलो, भाई पूरा लिखो यार, हेलो से क्या मतलब होता है। ये देखो हाय, क्या हाय मैं मतलब यार ये हाय हेलो, भाई पूरी बात लिखो, देखो ये हेलो सर, ये मतलब कुछ मतलब ऐसे मतलब यार गुस्सा आता है यार कि यार थोड़ा पूरा तो लिखो। यहाँ देखो लाइक कमेंट कर दो मेरी वीडियो पे, अबे भाई यार मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ देखो भाई हाय भाई, अबे भाई कुछ बंदे होते हैं जो पूरी बात लिखते हैं, ब्रो रिप्ले प्लीज़, अबे भाई कुछ लिखोगे तो रिप्ले करूँगा ना। ये देखो अभी सारे ऐसी मैसी सीन हो गए, देखो बताओ यार। अरे देखो रील भेज रखी, मैं क्या करूँ इसका यार, हद हो गई यार। बाकी भाई अभी अर्निंग की बात कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पोर्टर के अंदर 1748 की हो गई है और 8:41 हो गए, कम से कम आधे घंटे से कोई ऑर्डर नहीं बज रहा है। तो मैं निकल रहा हूँ अब घर, मेरी हिम्मत टूट गई, थक गया हूँ मैं। तो भाई देखते हैं रास्ते में कुछ बजे तो ठीक, नहीं तो सीधा चलते हैं घर भाई। तो भाई पहुँच चुका हूँ घर, टाइम देखोगे तो भाई टाइम हो रहा है 9:23 और मीटर की रीडिंग हो गई भाई 22,983 किलोमीटर। तो भाई घर आ चुका हूँ मैं, अब बात कर लेते हैं टोटल अर्निंग की। अर्निंग से पहले बता दूं, मैंने बोला था आपसे कि भाई 5 ऑर्डर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, 300 रुपये उठा लूंगा घंटा।
एक होटल लगा 2 घंटे में कुछ नहीं बजा, फिर घर आना पड़ा। भाई ये सिर्फ एक जुमला है, दे दिया है कि 5 ऑर्डर मारो 300 ले जाओ, पता है पोर्टर को 5 कोई मारेगा नहीं, 300 हम देंगे नहीं। तो ये बढ़िया है गेम, शाम को डाल दो भाई, आपको 8 ऑर्डर करने हैं, आपको हम 1200 रुपए देंगे, 8 किसी के लगेंगे नहीं, 12 किसी को मिलेंगे नहीं, ये बढ़िया है। तो भाई इन चक्करों में मत पड़ो, ऐसी नॉर्मली काम करो, पूरे दिन में मिले तो बात अलग है, ये रात में कोई स्विगी जोमेटो तो है नहीं कि 5-5, 6-6 ऑर्डर लग जाएंगे। भाई पोर्टर में कहां लग पाते हैं, भाई कुछ एरिया है जहां पर मैजिक पेन के ऑर्डर आते हैं वहां पर तो लग सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगेंगे। बाकी भाई पूरे दिन की मेहनत आपको दिखाऊं तो मैं, देखो मेरी शर्ट, भाई यार वीडियो में तो दिखेगी भी नहीं, ये पूरी गंदी हो गई है, पूरी काली, इधर से भी पूरी काली। भाई ऐसा लग रहा है किसी कबाड़ी का लड़का हो, या मतलब कोई कूड़े चुगने वाला हो, ऐसे दिख रहा है मतलब कि कोई मजदूरी करके आ रहा हो। अब मजदूरी करके आ रहा है ऑनलाइन वाली, बाकी ये छोड़ गया सब चीजें, मेहनत किसी को नहीं दिखती है, बस सिर्फ सबको दिखता है मजा और पैसा, उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती है, जो राइडर करता है उसको ही दिखती है। बाकी अर्निंग की बात करें तो भाई 1750 रुपए की अर्निंग आज पोर्टर में हुई, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं, कोई कुछ किसी और ऐप में भी काम नहीं किया, नॉन स्टॉप पोर्टर ने ही काम दिया और मैंने किया। बाकी भाई जिसमें आज मेरी बाइक चली 213 किलोमीटर, तो 370 का पेट्रोल, 70 रुपए अपने जूस में खर्च, तो 450 रुपए लगभग हमारे खर्च हो गए, तो 1300 रुपए बचे 12 घंटे काम करके। सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किया था और रात को घर आने में भी 9:30 बज गए, 1300 बचे। और भाई बहुत ज्यादा मेहनत आपने देखी, और सबसे अच्छा ये रहा कि आज ऑर्डर सारे बड़े बड़े मिले, लॉन्ग लॉन्ग ऑर्डर मिले और टाइम कम वेस्ट हुआ, कहीं ट्रैफिक में इतना फंसना नहीं हुआ, जो है ठीक है, बढ़िया था, मजा आ गया भाई काम करने में, दिल खुश हो गया। आज ऐसा ही काम अगर पोर्टर रोज दे तो मजा आ जाएगा। अब बहुत सारे बंदे बोलते हैं यार कमीशन तो काटो, अब भाई दिमाग है या नहीं तुम्हारे अंदर, अर्निंग का मतलब क्या होता है? अर्निंग का मतलब होता है जो हमारे पैसे बचे, जो हमारे पैसे बचे। कमीशन कौन जोड़ता है अर्निंग में? भाई मैं तो ये जोड़ता हूं, जो हमारा कमीशन कटने के बाद ये 1700 कुछ रुपए, 1750 रुपए बचे, अगर विद कमीशन इसको जोड़ू तो भाई मैं ये 2100-2200 रुपए पहुंच जाएंगे। तो भाई 2200 रुपए की अर्निंग तो नहीं बोली ना मैंने, अर्निंग तो 1750 बोली है ना, तो भाई 1700-1750 ही तो बता रहा हूं, 2200 तो नहीं बोली ना, तो कमीशन कौन जोड़ता है यार अर्निंग में? कुछ राइडर है जो कहते हैं भाई हमने 2000 कमा लिए, वो कमीशन भी जोड़ लेते हैं बेवकूफ। भाई कमीशन कौन जोड़ता है अर्निंग में? अर्निंग तो वो हो गई जो हमारी है, मान के चलो एक पोर्टर का ऑर्डर हमारे पास बजा 250 रुपए का, उसमें कस्टमर का ड्यू अमाउंट था 2000 रुपए, तो हमने 2000 रुपए ले लिए कस्टमर से, तो वो हमारी अर्निंग 2000 थोड़ी ना हो गई। भाई हमारी अर्निंग तो 160 रुपए होगी ना, क्योंकि ऑर्डर तो 200 का था, तो हमारी अर्निंग तो 150 ही हुई ना, जो भी बनी, अब 2000 अर्निंग तो नहीं बोलेंगे ना। तो भाई जो कंपनी का है उसे जाने दो, अपना जो है उसको जोड़ो, ठीक है? ये बार बार बोलना अच्छा ही नहीं लगता है, एक बार में समझ जाओ, जिसको समझ में नहीं आता और नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी जैसी की तैसी कराओ। भाई अर्निंग अर्निंग बताते हैं। बाकी देखो बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो की वजह से काम ठप हो गया, काम नहीं होगा लाइफ में आगे। अबे बेवकूफ हो तुम, क्या लाइफ टाइम पोर्टर ही करोगे? अबे भाई कोई काम करो ढंग का, कोई बिजनेस करो। अगर आपने मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा तो मैं काम के साथ साथ में कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में लोगों से डिस्कस करता हूं। जैसे वहां पर मैंने टी शर्ट के बारे में पूछा क्या प्राइसिंग की पड़ेगी, जब मैंने जिसको दिया मैंने उससे पूछा कि भाई आप पेपर कहां से लेते हो, भाई मैं ऑफलाइन मतलब ऑफ कैमरा लोगों से सलाह लेता हूं कि कौन सा काम अच्छा है, कैसा चल रहा है मार्केट में। भाई मैं खुद अपने फ्यूचर के लिए अलग सोच रहा हूँ, ये पोर्टर से आगे ये डिलीवरी में जिंदगी नहीं कटने वाली है, अपने बच्चों को नहीं पालने वाले। भाई मैं तो ये कहूंगा भाई जल्द से जितनी जल्दी हो सके काम छोड़ो छाड़ो, ये तो भाई टाइम पास है, जो मजबूरी में फंसा हुआ मजबूरी से निकल जाएगा, बात खत्म। बाकी ज्यादा लेक्चर नहीं दे रहा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल बनाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहते हैं फुल एनर्जी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और मेरा भी रखिएगा।